बीमार हो गया था और उसी बीमार की वजह से मतलब मेरा बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोल रहे थे कि यार तुम तो आजकल मतलब यूट्यूबर बन गया हो। है गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफी दिनों से ब्लॉग नहीं आने का कारण ये था कि मैं जो है कुछ बीमार हो गया था और उसी बीमार की वजह से ब्लॉग नहीं आ रहा था। अपने घर पे आया हूँ मैं अभी। मुझे ना घर में आए हुए वैसे 3 हफ्ता जैसे हो गया, काफी अच्छे लग रहे। काफी दिनों बाद अपने घर पे जाते हैं ना, तो घर में जो खुशियां जो मिलते हैं ना वो कहीं भी नहीं मिलते गाइस। आज ना मुझे मतलब घर पे आके ना अपने फैमिली लोगों के देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और गाइस एक छोटी दिक्कत क्या है आपको पता है? मेरे घर वाले ना मतलब मेरे बाल को करने के लिए बोल रहे हैं, मेरा तो करने का मन ही नहीं कर। और हम कहीं भी मतलब निकल जाते हैं ना तो लोग हमें पलट के देखता है। दूसरी जगह पे ना लंबा बाल रख के कहीं भी जाओ मतलब वहाँ पे जान पहचान वाला होता नहीं है, तो हम कहीं भी ऐसे तैसे हम निकल जाते हैं। और गांव में तो भाई सब सब लोग हम तो सभी लोग हम तो हमको पहचानता ही है, तो ऐसे पलट के देखते अरे भाई अरे ओहो ऐसा मतलब ऐसे उन लोग की रिएक्ट देख ना हमें थोड़ा अजीब से लगता है। और गाइस जैसे आज मैं इतने दिनों बाद जब मैंने अपने फोन को उठाया और अपने चेहरे को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अरे नहीं होगा मेरे से। और गाइस ऐसे बात नहीं है कि मैं पहली बार अपने घर में अपने गांव में ब्लॉग वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं वैसे 2 से 3 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, रोज वीडियो वगैरह वैसे है ना, रोज वीडियो वगैरह मैंने बनाया था। और वो वीडियो तो अब नहीं है, है ना। उस टाइम ना मैं ऐसे मतलब लकड़ी की स्टैंड वगैरह जुगाड़ कर करके मैंने बनाता था और घर के अंदर भी ऐसे है ना वो कपड़ा की पर्दा वगैरह लगा के बनाता था पहले। और वो वीडियो तो अब नहीं है क्योंकि है ना जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया था ना और यूट्यूब पे डालना शुरू किया था पहली बार, और उस वीडियो को देख के ना मतलब बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोल रहे थे कि यार तुम तो आजकल मतलब यूट्यूबर बन गए हो, तुम तो बहुत सारे ऐसे पैसे कमेंगे अब, ऐसे बोलते हैं मुझे ऐसा कुछ बोलते। तो वो सब सुन के ना मुझे अजीब से लगा और उसके वजह से मैं वो वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि है ना कि वो सब इग्नोर करना चाहिए था मुझे, है ना। कि काफी सारे यूट्यूबर लोग भी बोलते हैं कि है ना जब आप शुरू करते हैं ना तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे कुछ मतलब है ना ऐसे बोलेंगे आपको, बस आपको इग्नोर करना है। तो मैं उस टाइम इग्नोर करने पे फिर अपनी वीडियो को मैंने कर दिया डिलीट। अभी सोचता हूँ पहले कैसे कैसे वीडियो बनाए कर देता, तो वो सारी बातें बचपन जब बचपन की चीजें बचपन की बातें जब सोचते है ना तो हंसी आते है, कभी कुछ मतलब ऐसे मजा आता है बस सोच के, है ना। तो गाइस अभी मैं दिखाता हूँ अपने जहाँ पे खेत बकरा करते ना धान की खेत बकरा उसका मतलब सिनेमेटिक शॉट आपको दिखाता हूँ। हाँ से इतना साफ पानी निकलता है ना, जस्ट देखिए आप पी भी सकते हैं ये पानी। और देखो मछली, मुझे तो दिख रहा है आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, यह नदी है हमारे गाँव के। आजकल ना धूप मतलब कब कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता यार, कि कभी कभी मैं ना घर के अंदर रहता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता। सनसेट देखना मुझे बहुत ही पसंद है और आज थोड़ा सा इधर वेट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं सनसेट। हमारे घर से जो सनसेट दिखते हैं ना वो सनसेट आपको भी दिखाता है। तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ अपने गोरू के लेने के लिए, एक ये है और दूसरा उधर में। और गाइस आज का ना मतलब ऐसे कुछ ब्लॉग नहीं कह सकते, मतलब कुछ शॉर्ट मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं था ना कि मेरे साथ क्या हुआ है, मतलब इतने दिनों से मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है और आपको अभी पता चल गया होगा ना। काफी दिनों बाद में ऐसे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे अजीब से लग रहा है, बोलने में भी दिक्कतें आ रही क्योंकि है ना कि हम लोग तो टूटी फूटी बोलते है इसलिए दिक्कत तो आते रहते हैं, बट हो जाएंगे धीरे धीरे करके, है ना। ये कीड़ा कहाँ से आ रहा है? ये गुरु का ये देखना गाइस। गाइस मैं तो बस अपने गुरु के लेके घर पहुंचने वाला था और अभी मतलब ना सनसेट बहुत अच्छे हो रखे है, बादल भी पूरा साइड से हट गया है, देखो इतना अच्छा लग रहा है। मतलब कैमरा से ना ये मोबाइल फोन के कैमरा से ना अच्छे नहीं दिख रहा, अगर डिसलर होता ना तो बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाते हम अभी, देखो
और सुबह तो मैं जल्दी उठा नहीं हूं, तो सनराइज तो कभी मतलब देखता ही नहीं हूँ कभी, मतलब घर आके मैं सनराइज तो कभी देखा ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट से उठ रहा हूँ। वैसे सनराइज तो वैसे 4:30 बजे, वैसे 5 बजे तो निकलता है, और हम उठते वैसे 8:30 बजे है ना, तो कहाँ देखेंगे भैया। फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का ये शॉर्ट सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।